नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूलकुमारी। आज के वर्ग में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाली हूं, जिसका शीर्षक है प्रथम पूज्य हो कौन। शीर्षक में प्रश्न, वाह वाह दीदी, जल्दी शुरू करो कहानी। हाँ हाँ सुनो। एक बार की बात है, देवलोक में देवताओं की सभा यानी मीटिंग हुई। सभा का विषय था कि धार्मिक और शुभ कार्यों में सबसे पहले किस देवता की पूजा होनी चाहिए। सभा में सभी देवता आए थे। अब इस विषय पर चर्चा शुरू हो गई। एक ने कहा, इंद्रदेव हमारे राजा हैं, अतः इनका पूजन ही सर्वप्रथम होना चाहिए। तो दूसरे ने कहा, परम तेजस्वी सूर्य ही इस आदर का अधिकारी है। तो तीसरे ने कहा, पवन देव ही सब जीवों के प्राण हैं, अतः वे ही प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। एक अन्य देवता ने सबके गुरु बृहस्पति जी को सम्मान देने का सुझाव दिया। इसी प्रकार कई सुझाव आते रहे। सभी देवों के तर्क सही भी थे, तो ऐसे में निर्णय करना किसी के बस का ना था। इसलिए सब देवताओं ने सभा समाप्त करी और ब्रह्मा जी के पास जाकर इस समस्या का समाधान लेने पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले, आप सभी देवता अपने स्थान पर बड़े हैं और सबके कार्य अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सबसे पहले किसकी पूजा हो यह निर्णय करना बहुत कठिन है। क्यों ना हम इस निर्णय के लिए एक प्रतियोगिता करें। अपनी समस्या का हल निकलने का रास्ता देखकर सभी देवता खुश हो गए और उत्साहित होकर पूछने लगे, कौन सी प्रतियोगिता भगवान। ब्रह्मा जी बोले, आप सबको पृथ्वी की 7 परिक्रमा करनी होगी। इन परिक्रमाओं को पूरा करके सबसे पहले जो मेरे पास आएगा वही शुभ कार्य में सबसे पहले पूजनीय होगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी का सुझाव मान लिया और अपने अपने वाहनों पर बैठकर दौड़ के लिए सज्ज यानी तैयार हो गए। इंद्रदेव अपने सफेद हाथी एरावत पर, यमराज अपने भैंसे पर, तो अग्निदेव अपने बकरे पर थे। शनिदेव कौवे पर, सूर्य के पास तो 7 घोड़े वाला रथ था, वहीं कार्तिकेय का वाहन मोर था, किंतु गणेश जी का वाहन था चूहा, जो भारी भरकम गणेश जी को बिठाकर धीरे धीरे चलता था। दौड़ चालू हो गई। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर धरती की परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेश जी बड़े चतुर और अपने माता पिता के भक्त थे। वे परिक्रमा के लिए निकले तो सही, परंतु पहुंच गए अपने माता पिता शिव पार्वती के पास कैलाश। गणेश जी ने विनीत भाव से उनके चरण स्पर्श किए और जल्दी जल्दी उनकी 7 परिक्रमाएं पूरी करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद अन्य देवता भी वहां पहुंचने लगे और चकित होकर गणेश जी का मुंह देखने लगे। ब्रह्मा जी ने दौड़ में प्रथम आने वाले गणेश जी से पूछा, पुत्र गणेश, आपने अपने छोटे से मूषक वाहन पर सवार हो इतनी जल्दी परिक्रमाएं कैसे पूर्ण कर ली। सभी देवता भी उत्सुकता से गणेश जी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। गणेश जी ने फिर राज खोला। वे बोले, मेरी माता माँ पृथ्वी की ही तरह मेरा पालन पोषण करती हैं और पिता आकाश के समान मुझे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित विकसित करते हैं। मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार है, इसलिए मैंने तो बस उनकी ही 7 परिक्रमाएं कर ली और आपके पास आ गया। सभी देवता गणेश जी की बातों से बड़े प्रभावित और प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपना निर्णय सुनाया। हम गणेश के उत्तर से संतुष्ट हुए। उन्होंने न सिर्फ अपने माता पिता के प्रति भक्ति का परिचय दिया है, बल्कि उनकी महानता को भी बनाए रखा है। युगों युगों तक उनके इस कार्य से हर प्राणी को माता पिता की महानता का संदेश भी मिलेगा। इसलिए आज से सब शुभ कार्यों में प्रथम पूज्य गणेश जी ही होंगे। देवताओं को उनकी समस्या का उचित समाधान मिल चुका था। वे सब संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को धन्यवाद देकर चले गए। तो कैसी लगी बच्चों आज की कहानी। बहुत बढ़िया, हम भी गणेश जी की ही तरह अपने माता पिता का सदैव सम्मान करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आज की कहानी में बस इतना ही। अभी के लिए
मैं फूलकुमारी लेती हूँ आपसे विदा। जय माँ भारती।